हे दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं CCNA के बारे में। जी हाँ दोस्तों, CCNA एक जो कोर्स होता है एडवांस नेटवर्किंग के अंदर, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि CCNA क्या होता है, CCNA क्यों करते हैं इंजीनियर्स, और इसके क्या क्या मेरिट पार्ट्स है, और हम लोग इसके साथ साथ कवर करेंगे इस वीडियो में कि इसके अंदर क्या क्या कोर्स मॉड्यूल्स हम लोग कवर करने वाले हैं आने वाले अपकमिंग वीडियो में। सो दोस्तों, वेलकम टू अमन कंप्यूटर यूट्यूब ऑफिशियल चैनल, चलिए शुरू करते हैं। अगर अपने अमन कंप्यूटर का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग का इस बटन पे क्लिक करें और इस बेल आइकॉन पर भी, इससे आपको आने वाले हर वीडियो का अपडेट मिल जाएगा। CCNA जो कोर्स है, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ये जनरली सिस्को एक कंपनी है जो कि आपका नेटवर्किंग डिवाइस बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का राउटर्स बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्विच बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपका फायरवॉल्स एक्सेट्रा, बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइस को बनाती है। तो इस कोर्स के जरिए आपको वो बताया जाता है कि आप कैसे वो सारे डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, मेंटेनेंस कर सकते हो, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। सो दोस्तों, सिस्को का अपना कुछ हायरार्की मॉडल्स है जिसके जरिए वो अपना फंक्शन करती है, जिसमें आपका आता है CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएशन, और हम लोग जो वीडियो पे मॉड्यूल्स कवर करेंगे वो होगा CCNA RS। CCNA RS जो होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएशन राउटिंग एंड स्विचिंग। जी हाँ दोस्तों, राउटिंग एंड स्विचिंग इन द सेंस कि राउटर्स कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। अगर आपको राउटर नहीं पता क्या होता तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे मैंने दिया हुआ है राउटर्स क्या होता है, उसमें जाकर के देख सकते हो। और इस भी जो आपका नेक्स्ट होगा वो होगा स्विचिंग के बारे में कि स्विच कितने टाइप्स के होते हैं, स्विच कैसे कॉन्फ़िगर होता है, स्विच किस तरीके से मैनेज एंड मेंटेनेंस किया जाता है। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पर जाकर के लिंक पर क्लिक करके स्विच के बारे में भी जान सकते हो। सो दोस्तों, हम लोग ना बात करते हैं कि इस कोर्स में कौन कौन से मॉड्यूल्स हम लोग कवर करेंगे आने वाले अपकमिंग वीडियो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट हम लोग समझेंगे आईपी एड्रेस के बारे में कि आईपी क्या होता है, आईपी कितने टाइप का होता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आईपी के बारे में, आईपी कैसे बनाया, आईपी का कैसे यूज किया जाता है, एक्सेट्रा, सारे चीज के बारे में। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो होगा आपका लैन स्विचिंग के बारे में कि लैन स्विचिंग क्या होता है, लैन स्विचिंग टर्मोलॉजीज कैसे यूज किया जाता है, लैन का क्या क्या मेरिट एंड डिमेरिट पार्ट है, कौन कौन से मेथड से है आप बेटर लैन इंफ्रास्ट्रक्चर अपने लैन पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसके बाद जो दोस्तों आपका नेक्स्ट मॉड्यूल होगा वो होगा आईपी एड्रेसिंग, IPv4 एंड IPv6 के बारे में कि IPv4 क्या है, उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे हम करते हैं, और IPv6 वर्जन 6 जो आपका आईपी है वो किस किस तरीके से मेंटेन किया जाता है और यूज करते हैं हम राउटिंग एंड स्विचिंग पे। अगर आपको IPv6 के बारे में जानना है तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप देख सकते हो IPv6 क्या है। उसके बाद जो दोस्तों आपका नेक्स्ट मॉड्यूल होगा वो होगा राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, की राउटर्स कैसे राउटिंग करता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, मैं अगर इसमें इंट्रोडक्शन में बताऊं तो लाइक आप यूज करते हो रीप, OSPF, EIGRP एक्सेट्रा, और भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके जरिए हम लोग यूज करके राउटिंग एस्टेब्लिश करते हैं। जी हम लोग बात करेंगे उस समय कि किस तरीके से फंक्शन करता है। उसके बाद जो दोस्तों आपका नेक्स्ट मॉड्यूल आएगा वो होगा वैन टेक्नोलॉजी के बारे में कि कैसे आपका राउटर एक जगह से दूसरे जगह कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करेगा और कैसे डेटा को एक जगह दूसरे जगह ट्रांसफर करेगा, कौन कौन से मेथड हम यूज करेंगे उसके ट्रबल शूट के बारे में, और भी बहुत सारा कुछ हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो दोस्तों आपका नेक्स्ट मॉड्यूल होगा वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के बारे में कि हम किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन कौन से सर्विसेज हम यूज कर सकते हैं जिससे आपका काम जो हो स्पीडली एंड रैपिडली हो और एग्जैक्ट जो आपको डेटाबेस एक्सेट्रा जो भी चाहिए हो वो आप ले सको। उसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट मॉड्यूल होगा वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें दोस्तों हम डिजाइन करते हैं कि किस तरीके से आपका रिक्वायरमेंटेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से डिवाइस आप चूज करोगे, कौन कौन से सर्विसेज आप यूज करोगे एक्सेट्रा, सारा चीज के बारे में। उसके बाद जो दोस्तों आपका लास्ट फाइनल मॉड्यूल आता है वो है ट्रबल शूट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि आपका इन सारे सर्विस एंड टेक्नोलॉजीज को यूज करने के बाद किसी तरह कोई प्रॉब्लम आता है तो उसे कैसे आप सॉल्व कर पाओगे, उसे किस तरह से फाइंड कर पाओगे कि एग्जैक्ट इस प्लेस पे प्रॉब्लम है एक्सेट्रा, सारा कुछ आने वाला कमेंट वीडियो पे हम लोग देखेंगे CCNA कोर्स मॉड्यूल्स के अंदर। तो दोस्तों, आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा,
मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। अगर आपका किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो उसे भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसे इम्प्लीमेंट कर दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और अमन कंप्यूटर यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।